मैं शरफुद्दीन और पुलिस में जो रिटायर्ड डीएसपी सीओडी थे हम लोग, ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है हैदराबाद और बॉम्बे कर्नाटक का, उस वक्त वहाँ से पूरे लोगों को ट्रांसफ़र करके यहाँ भेजे इनको, कोई जगह इनको ठहरने के लिए नहीं थी। सबसे पहले जो वहाँ से जो आए हमारे स्टेट से, महाराष्ट्र से भी और हैदराबाद स्टेट से आए थे, थोड़े दफा चक्कर जो हमारा रेलवे स्टेशन के खिलाफ उस कमरों में ठहरे हुए थे, और अक्सर वहाँ पर हमारे ज़्यादातर मुस्लिम भाई थे, और हमको नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मानी थी, तो उसी के अंदर देके अजान देके नमाज़ पढ़ते थे। अब वहाँ के साथियों में फिक्र हो गई कि अब यहाँ क्या करना चाहिए। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उनसे अपील की कि अभी हमको नमाज़ पढ़ने को जगह नहीं और ठहरने को नहीं है, तो फिर यहाँ एक पार्क था यहाँ, और जंगल बिल्कुल वीरान था, तो यहाँ पर लाकर हिमायत मिर्ज़ा जो थे और हमारे अजीज शेठ साहब, ये पुराने थे और हमारे साथी में से फाउंडर ट्रस्टियाँ थे इस्माइल साहब बोल के दूध वाले, बहुत बड़े मेहनत किए, और सैयद मुमताज अहमद साहब बोल के वो हमारे कैशियर थे, और मोहम्मद शरफुद्दीन बोल के मैं सदर था, और सेक्रेटरी महमूद शरीफ साहब ये थे, और बहुत से साथी मेम्बरान थे। ये बैठ कर मशवरा करने के बाद बोले कि हमको एक ऐसा कम से कम नमाज पढ़ने के लिए, उन्होंने नमाज नहीं पहले घरों की जगह दी, ये सब खपरेल के घर थे, जंगल में वीरान था, कोई यहाँ आता नहीं था, आदमी बहुत घबराहट थी, लेकिन हमारे लोग उस जो आए थे वहाँ से हिम्मत करके कहे कि नहीं भाई, हम सब इकट्ठे एक जगह रहेंगे और यहीं ये जगह को देना चाहिए। तो अल्लाह जज़ा खैर अजीज शेख साहब, उन्होंने खड़े होकर सब ऐलान कर हिमान मिर्जा साहब, ये तमाम लोगों ने मिलकर बोला ये तुमको जगह दे दी गई है। मैं सैयद हसीबुर्रहमान, मदरसा रिजविया काशिफुल उलूम और जामिया मस्जिद विजयनगर की जानिब से हमें कमेटी की, पूरी कमेटी के, अहलियाना कमेटी की जानिब से हम लोग आज जो है एक ड्राइव किए हेल्थ कैंप का, जिसमें जो है ECG, BP और शुगर का जो है टेस्टिंग का कैंप रखे हुए हैं, जिसमें पूरे मोहल्ले के, चाहे वो अपने हो चाहे गैर हो, पूरा मोहल्ले के लिए उनके लिए एक कैंप रखे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे हमें एक दूसरे के भाई भाई, तो हम लोग जो है वो नज़रिए से हम लोग काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव, हमारी कमेटी बनकर जो है खाली बना एक 4 महीने हुआ है, सो वी हैव प्लान इन ए बिग वे, दिस इज द इनिशियल स्टेजेस वी हैव स्टार्टेड, सो इंशाल्लाह जो है अल्लाह के फजल करम से पूरे मोहल्ले के सरपरस्ता ही जो हमने गाइड कर रही, उस एतबार से जो है हम लोग पूरी कमेटी और हमारे नौजवानों के साथियों के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ाकर और एवरी 1.5 या 2 मंथ्स के अंदर जो है एडिशन करते हुए, अभी जो है 3 चेकअप्स हुए हैं, जैसा कि BP, ECG और शुगर, उसके बाद जो है एडिशन करते हुए जो जो भी है, जैसे कि थायराइड है, कंप्लीट बॉडी चेकअप है, लंग्स का हो, किडनीज का हो, दूसरा हो, तीसरा हो, ऐसे जो है इनिशिएटिव्स लेकर और बहुत सारे जो है नए नए स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आएंगे लोगों को जो फ़ायदा पहुंचे, ऐसे काम हम लोग करना बोल के एक इनिशिएटिव चालू किए हैं। मैं आप लोगों के ज़रिए जो है हमको यह सुनाना चाह रहा हूँ कि हमारा भी कुछ आपके तरफ से कुछ लोगों को जो मदद हो, ऐसे मशवरे हमारे हमें भी दिए, तो वो हम लोग कंसिडर करते हुए हम लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी का दिन है, हमारे मदरसे अरबिया काशिफुल उलूम जामिया मस्जिद होसड़ी से हम लोगों ने यहाँ पर एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। वैसे देखा जाए तो ये एक मस्जिद है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर गैर कौम, हिंदू मुस्लिम सब, क्रिश्चियन सब आ रहे हैं, सबके लिए हम लोगों ने इंतज़ाम किया है, और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हम सब मिलजुल कर रहें। ये बड़ा पुराना इदारा है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, और माशाल्लाह अभी अभी जो है नौजवान कमेटी बनी है, और सारे नौजवान अपनी तरफ से बड़ी मेहनत करके यहाँ तक लाए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी किया था,
जिसमें तकरीबन 500,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन भी करवाया है, और आज भी माशाल्लाह 200-300 आदमी को जो है बीपी, शुगर और ECG ये सब कराने का पूरा प्रोग्राम है। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का दिन हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज जामिया मस्जिद हस्तली और मदरसे अरबिया काशिफुल उलूम की कमेटी की जानिब से पूरे महल्ले के मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हर मज़हब के मानने वालों के लिए यहाँ पर BP, शुगर और ECG वगैरह के मुफ्त चेकअप का इंतज़ाम किया गया है। और इस्लाम खिदमत खल्क और इंसानियत की खिदमत का पुरजोर कायल भी है, और इसकी तरफ इंसान के हर फर्द को तवज्जो दिलाता है, और इंसान रवादारी का सबसे बड़ा अलमबरदार मज़हब है। इसी मुख्तसर सी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और फिर सारी इंसानियत को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि वह जहाँ भी रहे, जिस मुल्क में भी, जिस महल्ले में भी रहे, उनका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, उनके लिए मेरा यह पैगाम है कि वह खिदमत खल्क को इंसानी फरीज़ा तसव्वुर करते हुए, और इस्लाम का, इस्लाम की बड़ी अहम और बुनियादी तालीम है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत तो 40 साल में मिली, लेकिन 40 साल तक हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क किया है। खिदमत पहले की, नबुव्वत हुज़ूर को बाद में मिली है। अल्लाह ताला हमारी इस मुख्तसर पैगाम को कबूल फरमा कर जो लोग भी इसको सुने, अल्लाह ताला उनको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा नाम सैयद फजलुर रहमान है। मैं मदरसा अरबिया काशिफुल उलूम जामिया मस्जिद में कैशियर के तौर पर खिदमत अंजाम कर रहा हूँ मैं। और हमारी कमेटी 4 महीने के पहले अब लॉन्च कमेटी फॉर्म हो गया है, तो और होने के बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने से भी कंटिन्यूस हमें वैक्सीन ड्राइव भी कर लेके आ रहे हैं। आज इंशाल्लाह पूरी कमेटी की जानब से आज मणिपाल प्रिवेंशन सेंटर के और हमारे जामिया मस्जिद काशिफुल उलूम के ऑर्गेनाइज़ करके एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करके हैं। इसमें अराउंड 200 से 250 तक अब तक पेशेंट्स आके ECG, फ्री शुगर, BP का चेकअप भी करके इस कलफ उठा के हैं। इंशाल्लाह आगे चलते हुए इंशाल्लाह इसके साथ साथ अभी भी खिदमत अंजाम करेंगे इंशाल्लाह। अब आने वाला दिनों में इंशाल्लाह हम लोग कमेटी से एक तय करके हैं, एक कम्युनिटी सेंटर खोलना बोल के हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लास जो भी हैं, उनको IAS कोचिंग, IPS कोचिंग, FDA, SDA ऐसे कोचिंग्स के लिए हम लोग प्लान करके इंशाल्लाह, या हमारे विजयनगर जो हल्का है, हल्के में अराउंड 7 से 8 मस्जिद हैं। हमारे कम्युनिटी की जानिब से हम लोग पूरे स्कूल को सर्वे करके अराउंड 450 से 500 बच्चों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स की स्कॉलरशिप भी हम लोग करवा के हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का KMDC से अरिवो स्कीम है, अरिवो स्कीम में जो बच्चों को फ्री लोन के तौर पर एजुकेशन लोन मिलता है, तो वो उसके लिए भी हम लोग इंशाल्लाह अरिवो लोन भी करा के हैं। मैं सैयद साकिब अहमद, यहाँ काशिफुल उलूम से हमें ही कमेटी से जो है एक इंतज़ाम करें, फ्री हेल्थ कैंप का इंतज़ाम करें हम लोग। ये हिंदू मुस्लिम क्या भी नहीं है, एक सोशल सर्विस के हिसाब से हमें लोग काम कर रही, कौम की खिदमत करने के वास्ते, कौम का एक जज्बा है नौजवानों में, कौम की खिदमत करने के वास्ते हमें काम कर रही। इंशाल्लाह सुबह से अब तक जो है 150 आदमी आपको जो है फ़ायदा उठा को ही, इंशाल्लाह अब शुरुआत हो को है, हमें जो है आइंदा भी जो है और बढ़ाना चाहती हैं। इसे लोगों की हमने मदद भी है, एक कौम का जज्बा है, खिदमत करना अगर बुलाल को जज्बा है, इंशाल्लाह देखेंगे आइंदा जो है अल्लाह हमारे से और ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है। इट्स रियली ग्रेट, दे आर टेकिंग ए गुड इनिशिएटिव्स। मस्जिद को एक कम्युनिटी सेंटर बना के ख्याल करके काम कर रहे हैं। इधर ये मस्जिद के ज़िम्मेदार माशाल्लाह, मैं भी सवेरे से देख रहा हूँ, इतना हार्ड वर्क और डेडिकेशन, और माशाल्लाह ऐसे कैंप्स मस्जिदों के अंदर लगना। मस्जिद के अंदर क्या है, खाली नमाज़ पढ़ के जाना नहीं है, मस्जिद के अंदर जो है बच्चों को भी फ़ायदा होना, बड़ों को भी फ़ायदा होना, मर्द हज़रात को भी, औरतों को भी, और सबको भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इधर उनके जो मसाइल हैं, उनके जो मसले हैं, उसको पूरा करने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी जो नए ज़िम्मेदार आई माशाल्लाह, इसको सब ख्याल रख को काम कर रही। रिसेंटली लास्ट संडे जो है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को दीनी तालीम स्मार्ट क्लास के ज़रिए से कैसा देना, अगर को इसकी फ़िक्र हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आज दीनी तालीम हो रही है स्मार्ट क्लास के ज़रिए से, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मस्जिदों के अंदर, सारे मस्जिदों के अंदर ये जो है फ़िक्र होना, फिर ये था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है
एक तो एजुकेशन पर काम हुआ लास्ट वीक, ये वीक जो है हेल्थ के पर काम हो रहा है। हेल्थ में क्या कैंप्स लगा रहे हैं, बहुत सारों को जो है ECG हो या दूसरे टेस्ट हो या अल्ट्रास्कैन हो या फ्री यानी कि कंसल्टेशन करने की वजह से पूरा कंप्लीट फ्री है। ये मस्जिद के जिम्मेदार जो हैं माशाल्लाह ये जो फिक्र कर रही हैं, मैं गुजारिश करता हूँ सारे बेंगलोर के बल्कि पूरे कर्नाटक के जिम्मेदारों से, मस्जिद के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ ऐसा इनिशिएटिव लेना। इट्स ए एग्जाम्पल फॉर द कम्युनिटी, हमना जो है एक एग्जाम्पल है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम, आज हेल्थ कैंप के जरिए से हज़ारों को फायदा हुआ है। इवतना कार्यक्रम नम जामिया मसीदी कड़ा जामिया मसीदी कमिटिया कड़ा ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಂತಿ ಸಮಾನತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಲ್ಲೂ ಅವರವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜಾತೀಯತೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಭಿ ಕೌಮ್ಗೆ ಲಿಯೆ ಸಭಿ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಾಜ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. इससे हमारा एक मैसेज यह है कि हम लोग जो है मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसमें हर कौम का हर कोई भी आके यहाँ पे जो इसको फ़ायदा उठा सकता है. यही एक मैसेज देने के लिए हमने यहाँ पे एक हेल्थ कैंप आज ऑर्गेनाइज किया है. तो जामिया मस्जिद मत मद्रास है अरबिया काशिफुल उलूम मत मणिपाल हॉस्पिटल जंटिया तो हेल्थ कैंपन फ्री आगे हमको अदे रीति ECG कूड़ा ना ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 50ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ECG ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರೀಬೇಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಏನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ 50% ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ.
ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.